आज गोरी कव्वी के बेटे जग्गू की सालगिरह थी। गोरी ने सुबह उठते ही नित्य खाने बनाने शुरू कर दिए। जग्गू का बाप कालू कव्वा जल्दी जल्दी काम पर चला गया और वापसी पर ढेर सारा सामान लेकर आया। सारे घर को सजाऊंगी मैं कालू जी, पूरे जंगल को पता चले आखिर गोरी कव्वी के बेटे लाल चोंच वाले मेरे जग्गू की सालगिरह है। गोरी थोड़ा कंट्रोल करो। गोरी फिलहाल जेब खाली है मेरी, जो पैसे मैंने जमा कर रखे थे सबका सामान ले आया हूँ, सादा सी कर लेते हैं। किस्मत अच्छी थी कालू जी आपकी, मैं मिल गई, इतनी सबर वाली बीवी मिल गई आपको। अपने बेटे के मामले में सबर नहीं करूँगी मैं, ये जो मीसनी चिड़िया है इसको भी तो पता चले गोरी का बेटा है। कहाँ से लाऊं मैं इतना सामान, ये कैसे हो सकता है। करनी पड़ेगी फिर तो, अब चोरी ही करनी पड़ेगी, रानों के पास बहुत कीमती हार है। ले आओ कालू जी, वो हार उसने कबूतर की शादी पर पहना था, उसको बेचकर अच्छे पैसे पैसे आ जाएंगे, मेरे बेटे की सालगिरह हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ गोरी, मगर याद रखो एक बार ही चोरी करूँगा मैं, बूढ़ा हो रहा हूँ अब मुझसे जोर का भागा नहीं जाता। कोई हाल नहीं कालू जी, ठीक है आप हार ले आओ, मैं सबको दावत दे आऊं। फिर कालू कव्वा गुस्से से बुड़बड़ाता हुआ हार लेने चला जाता है और गोरी कव्वी सब दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाने चली जाती है। नदी पर उसे रानो चिड़िया मिलती है। रानो बहन, हम अपने घर में अपने जग्गू बेटे की ग्रैंड पार्टी रख रहे हैं, तुम्हें बुलाना तो चाहती थी मगर मैं नहीं चाहती मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती हो। मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो आपको गोरी बहन, जग्गू की सालगिरह बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, देखूंगी अगर कुछ थोड़ा बहुत खाना बच गया तो भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, आखिर हमसायों के भी कुछ हकूक होते हैं, बचा खाना जरूर भिजवाऊंगी। नहीं नहीं गोरी बहन, आप खाना मत भिजवाइएगा, मैं अपनी बेटी को बहुत ही मेहनत की कमाई से पालती हूँ, एक भी हराम का लुकमा नहीं खिलाया मैंने अपनी बेटी को कभी। हाँ रानू, बेड़ा तो रे तेरा, कैसी बातें करती है, अंगूर खट्टे हैं, अरे दावत पर नहीं बुलाया तो हमारी कमाई को हराम की कमाई कह दिया। बड़ी मेहनत से कमाते हैं मेरे कालू, जबान बंद रखो अपनी, बुरी पेश आऊंगी मैं बहुत। नहीं नहीं गोरी बहन, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेहनत से कमाना चाहिए और बच्चों को हमेशा मेहनत की कमाई खिलाने से बच्चे आपके फरमाबरदार और अच्छे पंछी बनते हैं। डानों के बहुत ज़्यादा समझाने पर भी गोरी कभी कहाँ समझती है, गुस्से से लाल पीली हो जाती है, रानों को बहुत सारी बातें सुनाती है। गुस्से से भरी हुई गोरी कभी अपने घर की तरफ चली जाती है, खर्चा कर भी उसका गुस्सा नहीं उतरता। दूसरी तरफ कालू कव्वा कब से बैठा था कि चिड़िया के घर की लाइट बंद हो और वो घर के अंदर चला जाए। अचानक चिड़िया के घर की लाइट बंद होती है और कालू जल्दी से उड़कर अंदर जाकर देखता है। इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगी मैं, इसने मेरे कालू की कमाई को हराम की कमाई बोला है, अब जब अभी जाती हूँ मैं इसके घर को आग लगाऊंगी, तुम देखना जब। गोरी कव्वी बदले की आग में चलती हुई चिड़िया के घर चली जाती है और जाकर चिड़िया के घर को आग लगाती है, ये नहीं जानती कि कालू तो अंदर होता है। अब पता चलेगा इस चिड़िया को कैसे करते हैं गोरी से पंगा, अरे हराम की कमाई बोल दिया मेरे कालू को। गोरी आग लगाकर सुकून से बैठी होती है कि उसे अचानक कालू की आवाज आती है। कौन बोल रहा है अंदर से, किसकी आवाज आ रही है। अरे मैं था गोरी, पंख जल गए मेरे। हाय कालू जी, ये क्या हो गया मुझसे, मुझे तो भूल ही गया था कि आप रानों के घर गए हैं चोरी करने। हाँ कालू जी। में वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है, वो परेशान होकर सारा माजरा पूछती है। मर गए मेरे कालू जी, तुम्हारे घर की आग बुझाते बुझाते मर गए। गो
गोरी तो रानो को कुछ और ही बता रही थी, मगर रानो असल कहानी समझ गई थी। गोरी ने दुश्मनी में रानो का घर तो जलाया ही था, अपना शोहर भी जला डाला।